संत कबीर नगर में पुलिस की शिथिलता पर एसडीएम की कार्यवाही पूरी नहीं हो रही थी, जिस पर एसडीएम ने एक्शन लिया है। दरअसल 107 और 116 की कार्यवाही कर शिथिलता पर एसडीएम ने एक पत्र लिखा है। यह पत्र एसडीएम ने कोतवाली खलीलाबाद थाना दुधारा बखीरा और महुली थाना अध्यक्षों को जारी किया है। इस पर खलीलाबाद के एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीसी में ये प्रोविजंस हैं कि यदि किसी व्यक्ति के आचरण से, उसके व्यवहार से इस तरह की घटना प्रवृत्ति हो रही है या पाई जा रही है कि वहाँ लोक शांति क्षुब्ध हो सकता है या भंग हो सकता है, तो स्टेशन अफसर या सब इंस्पेक्टर एरिया के उनको 107-16-151 में प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में, और न्यायालय द्वारा 111 सीआरपीसी की नोटिस निर्गत की जाती है और उनको सुना जाता है, और सुन करके प्रक्रिया अंतर्गत उन्हें पाबंद किया जाता है, उनसे वचन पत्र लिया जाता है और ड्यू प्रोसेस उनको पाबंद करके उनसे ये कार्यवाही की जाती है, जिससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और इसमें जन सामान्य को कोई असुविधा ना हो। ये देखने में आ रहा है बार बार कि थानाध्यक्षों को इस संबंध में यहाँ से लिखा पढ़ी में भी पत्र जारी हो रहे हैं, और अभी वर्तमान समय में जब हमने अपने न्यायालय की स्वयं समीक्षा की 107-16 और 151 की, तो ये पाया है कि विभिन्न थाने जो हमारी तहसील के सीमा परिक्षेत्र में अवस्थित हैं, उनके द्वारा स्वतः 107-16 में रिपोर्ट की जा रही है, 151 में रिपोर्ट की जा रही है और 111 की नोटिस के तामिला की स्थिति बेहद ख़राब है। कतिपय प्रकरणों में जिसमें अवेलेबल वारंट जारी हैं, उनका भी तामिला का जो प्रतिशत है वो किसी किसी थाने का 10% से भी कम है। तो ये चिंता की बात है कि जो आप स्वयं रिपोर्ट कर रहे हैं और आप स्वयं, आपको नोटिस तामील करनी है और इसमें आपके द्वारा लैकनेस की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यदि कहीं शांति व्यवस्था विक्षुब्ध होती है तो उत्तरदायित्व तय करने की स्थिति बन रही है। इसमें मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को भी पूर्व में लिखित रूप से संज्ञान कराया गया था और उनके द्वारा इसमें संज्ञान लिया भी गया था, जिससे स्थिति पहले बेहतर हुई थी, लेकिन इधर फिर प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्षों द्वारा किन्हीं कारणों से या जो भी कारण हो, जाँच का विषय है, किन परिस्थितियों में 111 का सम्यक तामीला न्यायालय को नहीं प्रेषित किया जा रहा है, इस पर मेरे द्वारा उनसे लिखा पढ़ी में पूछा जा रहा है और जो भी उनका इसमें जवाब आएगा उस पर सुसंगत कार्यवाही अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। तो ये थी संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जमीन के साथ।